ये फिरोज आलम का इंसाफ दिलावे। उनकी पत्नी विधवा हो गई है, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ मुआवजा दें, इनको नौकरी दें। हम लोग इस मांग के लिए रोड पर उतरे हैं और शांति मार्च कर रहे हैं। धन्यवाद। उनकी हत्या हो गई, मैं जहानाबाद प्रशासन से ही अनुरोध करना चाहता हूँ वो अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कठिन से कठिन सजा दी जाए। जी का मर्डर हुआ, अब इनके दो पीछे दो बच्चे हैं, इनकी पत्नी है जो बेवा हो गई है, तो सरकार तो सबसे पहले इनके बच्चे और इनके बेवा पत्नी को गवर्नमेंट का जो इंतजाम करे। और सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24x7। जहानाबाद ईदगाह कमेटी के सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद फिरोज आलम की हत्या के विरोध में जहानाबाद शहर के ईदगाह के समीप से किया गया शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन शहर के विभिन्न चौराहों एवं मोड़ों से होते हुए ईदगाह के समीप किया गया संपन्न। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने की अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग एवं मोहम्मद फिरोज आलम की पत्नी और बच्चों को मिले इंसाफ और मुआवजा। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। कैंडल मार्च किस उद्देश्य से निकाले और कहां से कहां तक निकाला गया है? हम लोग ईदगाह कमेटी के समक्ष सामने से निकाला, फिर पूरे शहर में घूमते हुए हॉस्पिटल मोड़ से होते हुए हम लोग शांति और कैंडल मार्च निकाला है। ये हम जनाब फिरोज आलम के जस्टिस के लिए हम लोग सारे कैंडल मार्च किया है और हमको ये जो पूरा आवाम है ये बतलाता है कि फिरोज आलम कैसे थे। फिरोज आलम एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक सेवक थे, वो सारे समाज के लोगों को न्याय दिलाने में काम करते थे, सारे समाज को सहायता करते थे, चाहे 2 बजे रात में बुलाइए, 3 बजे रात में बुलाइए। ये बहुत अच्छा, ये जो घटना हुआ, उनका मर्डर हुआ है, ये गलत हुआ। हम लोग सारे आक्रोशित, हम लोग चाहते हैं कि यह प्रशासन जो निखिल बाबू का है और यहाँ के SP हैं, DSP हैं, हम लोग उन्हीं पर उम्मीद रखते हैं। दूसरा प्रशासन आएगा, अपराधी और भागेगा। ये लोग समझे बूझे हैं, यही लोग रह के हम लोग अफरोज बाबू का इंसाफ दिलाएंगे। प्रशासन बदलने की कोई जरूरत नहीं, प्रशासन यही रहे, यही इंसाफ करे, यही अपराधी को पकड़े और हम लोग सब समाज के सामने लाए। हम लोग यही चाहते हैं कि यही जो टीम है निखिल बाबू का, SP साहब का, यही टीम रहे और हम लोग ये फिरोज आलम का इंसाफ दिलावे। उनकी पत्नी विधवा हो गई है, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ मुआवजा दें, इनको नौकरी दें। हम लोग इस मांग के लिए रोड पर उतरे हैं और शांति मार्च कर रहे हैं। धन्यवाद। उनकी हत्या हो गई, मैं जहानाबाद प्रशासन से ही अनुरोध करना चाहता हूँ वो अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कठिन से कठिन सजा दी जाए। और उनकी दो बच्चे हैं जो लाचार हो दो, और उनकी जो फिरोज आलम की वाइफ जो है विधवा हो गई है, उनकी व्यवस्था कैसे चलेगी, दाल रोटी, इसका व्यवस्था किया जाए। आपका नाम मोहम्मद इकबाल, लीडर का कमेटी अध्यक्ष का ये काम करते हैं। इनका जिस प्रकार से मर्डर हुआ, जब ऐसे सामाजिक लोग ही सुरक्षित नहीं है इस शहर में, 2 दिन पहले आधा घंटा पहले चंदन शर्मा का मर्डर, फिर जो है उसके बाद इनका मर्डर, फिरोज आलम जी का मर्डर हुआ, अब इनके दो पीछे दो बच्चे हैं, इनकी पत्नी है जो बेवा हो गई है, तो सरकार तो सबसे पहले इनके पर बच्चे तो क्या कहना चाहते हैं और प्रशासन सरकार से क्या मांग रहे हैं, क्या रोशनी इस पर डालना चाह रहे हैं आप? जैसे हमारी मांग है कि आपके पास आर्म्स है तो आप तो सुरक्षित हो, तो आपकी जीवन सुरक्षित नहीं रखना है, आपको शहर के तमाम लोगों का जीवन को सुरक्षित रखना आपका कार्य है और सरकार इसके लिए आपको बहाल किया है, तो आप आम जीवन को सुरक्षित कैसे रखेंगे, इसके लिए आप सुनिश्चित बने बंदोबस्त कीजिए या आप आराम से ड्यूटी करने से मतलब नहीं रखिए। आम लोगों का जीवन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए हमेशा मुस्तैद रहिए। अपना नाम संजय कुमार, जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष।